हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल टेनिस अफेयर्स। सो फ्रेंड्स, सोनी टीवी के शो इंडियन आइडल का ऑडिशन राउंड एपिसोड शुरू हो चुका है, जहां ऐसे ऐसे सिंगिंग आर्टिस्ट आए जिनकी सिंगिंग देखकर जजेस काफी इंप्रेस और सरप्राइज हो गए। वहीं हमने पिछली वीडियो में आपको अरुणाचल प्रदेश से आए रितो रिबा के बारे में बताया, जो फर्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिला, जहां रितो रिबा के इंडियन आइडल को बैड कॉमेंट्स करने पर विशाल ददलानी ने मंच पर ऑडिशन से पहले उनकी चैट दिखाई कि जिसमें रितो रिबा ने शो को एक स्कैम कहा और ये सच बात थी कि ऐसा रितो ने कहा था। बट विशाल ददलानी ने रीतो को कहा कि शो कभी स्कैम नहीं था, क्योंकि यहाँ से सिंगिंग स्टार्स निकले हैं। टीआरपी के लिए शो चलता है, बट टीआरपी तो अच्छे सिंगर्स की सिंगिंग से ही आती है, और तीनों जजेस ने उन्हें विश्वास दिलाया कि शो स्कैम नहीं है। फिर जब रितो रिबा की परफॉर्मेंस हुई, जिसमें रितो ने अपना खुद का कॉम्पोजिशन गाया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश की लैंग्वेज के साथ हिंदी का कॉम्बिनेशन था, और वो इतना खूबसूरत सॉन्ग था कि नेहा कक्कर को गूज बम्प आ गए। और सिर्फ नेहा को ही नहीं, बल्कि जिसने भी सुना होगा उसके गूज बम्प जरूर आए होंगे, क्योंकि सच वो वॉइस मैजिकल थी। जजेस को पता चला कि रितो ने कभी म्यूजिक नहीं सीखा। वहीं विशाल ने कहा कि चैट में जो भी लिखा था तुमने तो उसे पलट ही दिया। वहीं नेहा कक्कड़ ने कहा कि तुम्हारी सिंगिंग हमें किसी और दुनिया में लेकर गई। यहां तक नेहा ने कहा कि इस सॉन्ग का अगर फीमेल वर्जन बनेगा तो वो गाना चाहेंगी, और नेहा ने जब अपनी आवाज में दो लाइंस गाई वो भी बेहद खूबसूरत लगी। वहीं विशाल ने उनकी लैंग्वेज की लाइंस गुनगुनाई जो बहुत प्यारी थी। हिमेश ने भी उसी धुन में रितो रिबा को ऑडिशन में सेलेक्ट कर लिया, और तीनों जजेस की हाँ मिली, साथ ही उन्हें मिला आगे आने का टिकट। सो अभी तो ऑडिशंस राउंड शुरू हुए हैं, लेट सी नेक्स्ट वीकेंड क्या होता है। तो देखते रहिए हर वीकेंड रात 8 बजे देश का सबसे बड़ा सिंगिंग मंच इंडियन आइडल, और साथ ही रितो रिबा की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।